गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम बात करेंगे मेलाज्मा, पिगमेंटेशन, फ्रैकल्स और रिंकल्स की। मोस्टली फीमेल्स जो हैं वो इस डिजीज से, इस प्रॉब्लम से ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं। उनके चेहरे पर, नाक पर, चिन्स पर, गालों पर कुछ लाइट या डार्क ब्राउन कलर के जो है स्पॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, पिगमेंटेशन शुरू हो जाती है, जिसको हम झाइयाँ बोलते हैं या मेलाज्मा बोलते हैं या प्लाज्मा बोलते हैं। तो ये प्रॉब्लम कॉस्मेटिक प्रॉब्लम भी है और आपके बॉडी के इंटरनल फैक्टर्स को प्रमोट करते हैं। इंटरनल फैक्टर्स की कमी के कारण मोस्टली ये डिजीज होता है, क्योंकि फीमेल्स में देखा है अगर न्यूट्रिशन की कमी है, अगर उनको एनीमिया है, खून की कमी है, उनके हॉर्मोन्स जो है वो इम्बेलेंस है, उसके कारण धूप में होने के कारण भी ये बढ़ता है, प्रेगनेंसी में काफ़ी बढ़ जाता है, आफ्टर डिलीवरी फीमेल्स में काफ़ी न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाती है। और रिंकल्स कईयों के तो हमने देखे हैं एज से पहले ही, 20s और 30s की एज में उनके शुरू हो जाते हैं। ये एक इंटरनल बॉडी के सिस्टम के कारण, खराबी के कारण हो सकते। रिंकल्स जो हैं बॉडी के इंटरनल सिस्टम और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों के कारण हो सकते हैं। तो ये फाइंड आउट करना चाहिए कि रिंकल्स हैं वो किस फैक्टर के कारण हुए हैं। फेस पर जो पिगमेंटेशन, मेलाज्मा या शाइनिंग जो उसको बोलते हैं, वो फीमेल्स में हॉर्मोन्स के डिस्टर्बेंस के कारण भी होती हैं। कई फीमेल्स जो हॉर्मोन्स लेती हैं जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले ली, उसके कारण भी ये प्रमोट हो जाती हैं। फीडिंग मदर्स में ये काफ़ी कॉमन है, प्रेगनेंसी में, आफ्टर प्रेगनेंसी उनके न्यूट्रिशन की कमी हो तो भी ये कॉमन देखा गया है। रॉन्ग चॉइस ऑफ कॉस्मेटिक्स, जो आपने फेस पर लगाने के लिए अगर रॉन्ग चॉइस की है, उसके कारण भी होता है। अगर सन रेज आप पर ज़्यादा पड़ती हैं, आपको धूप में ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो आपको सन स्किनिंग लोशन ज़रूर लगाना चाहिए जिसकी SPF 35 से ज़्यादा हो। वो आपकी स्किन को सन रेज से बचाने में हेल्प करेगा। इसके अलावा स्ट्रेस फैक्टर वो भी काफ़ी है, और केमिकल डैमेज से भी कई बार पिगमेंटेशन बढ़ जाती है। फीमेल्स में थायराइड हो या किसी लंबी बीमारी से कोई मेल या फीमेल कोई भी गुजरा हो, उसमें जो बॉडी की न्यूट्रिशन है ख़त्म हो गई हो, इसके कारण भी पिगमेंटेशन बढ़ती रहती है। और रिंकल्स एज के साथ तो आते ही हैं, और कई फैक्टर्स हैं जो रिंकल को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, जो फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं, जिस फैक्टर्स के कारण मेलाज्मा या शाइनिंग पैदा हो, उन फैक्टर्स को ख़त्म करना है। अगर हार्मोन ले रहे हैं तो हार्मोन बंद करने चाहिए, अगर आप धूप में जा रहे हैं तो सनस्क्रीन लोशन का यूज़ करना चाहिए, अगर आप में एनीमिया है, न्यूट्रिशन की कमी है, प्रोटीन्स बॉडी में कम है, तो उस कमी को पूरा करना चाहिए। उसके अलावा एक्सटर्नल में हम फेस वॉश, फेस पैक, एंटी रिंकल क्रीम, एंटी मेलाज्मा क्रीम, एंटी पिगमेंटेशन क्रीम, और फ्रैकल्स में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं हमारी क्रीम और मेडिसिन के। जिन लोगों में तिल या फ्रैकल्स, ब्राउन स्पॉट्स काफ़ी हो जाते हैं, उनमें भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट मिलता है। एंटी रिंकल किट जो है उसमें फेस वॉश और क्रीम्स और फेस पैक्स, ये तीनों की हेल्प जो है वो रिंकल्स को कम करने में काफ़ी हेल्प करती है, एंड और रिंकल्स को जो प्रोग्रेशन है, जो बढ़ रहे हैं, उसको भी रोकती है, उस प्रोग्रेशन को रोकती है। तो अगर ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, तो इसको प्रॉपर एनालिसिस से आप ठीक करवा सकते हैं। जो डिले है वो डिजीज को बढ़ाएगा, प्रॉब्लम को बढ़ाएगा। तो आपको फैक्टर्स जानने हैं और इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट जाननी है, उसके बाद आपका इलाज बिल्कुल ईजीली हो सकता है।